नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर आए हैं। ये एक वीरान हवेली है, यहाँ पर बोलते हैं है अंग्रेज़ों की ही। और ये यहाँ पर इसका ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा लंबा है चौड़ा। यहाँ पर देखिए घने जंगल हैं, और घने जंगलों में एक ये कोठी है अंग्रेज़ों ज़माने की, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार पर। मैं हूँ अशोक राज। ये जो वीडियो है मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर ये कोठी हुआ करती थी पहले, और ये आज ये जर्जर सी इसकी कुछ ईंटें भी नहीं रही हैं, सब उखड़ गई हैं, है ना। तो ये है कोठी, ये बहुत पुराने ज़माने की कोठी है, अंग्रेज़ों की ज़माने की है। और इसमें आज बंद कर दी गई है, क्योंकि इसमें अलाव नहीं है किसी को अंदर इसमें प्रवेश मारने का, है ना। तो इसमें ऐसा हुआ करता था, जब कोई हमारे यहाँ उग्र फैलता था, हमारे देश के लोगों को पता लगता था, तो ये लोग क्या करते थे, इसमें लाकर इसे ये कैद कर देते थे इसमें। और इसमें ये बंद करने के बावजूद में एक और है इसमें हवेली, वो जर्जर सी हालत हो गई है उसकी। तो इसमें ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई अंदर जाने की एंट्री नहीं है, और इसमें यहाँ पर कोई है कि नहीं है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो रास्ता गई थोड़ी सी, ये चबूतरा, ये यहाँ पर लोग अपना क्या करते हैं, अपनी एक सभा करते हैं, एक सभा करते हैं, अपना निर्णय लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये यहाँ पर ये चबूतरे पर सभा करते हैं और अपनी राय डिस्कस करते हैं, क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं करना है। और इन्हें एक चीज़ और भी है, यहाँ पर एक सुरंग बताई जाती है। वो सुरंग में, क्योंकि वो ऐसी सुरंग है, जब अगर कहते नहीं विद्रोह फैल जाता है ना, हद से ज़्यादा लोग सताते हैं तो इन पर विद्रोह फैलता है, तो इनके लिए डर लगता, तो इस सुरंग से नीचे ही नीचे पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। वो सुरंग को मुझे महसूस तो पता लगा, लेकिन मुझे नज़दीक पता नहीं कहाँ पर इसकी सुरंग वो है। और ये इसकी ओवरहॉलिंग है, सरकार की तरफ से देखा जा रहा है, इसकी डेंटिंग पेंटिंग तो की जाती है, लगता है अभी जल्दी ये का है इसका। और इसके कुछ तत्व पड़े हैं टूटे फूटे, देखिए वो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। ये क्या लग रहा है, लोहा का ट्रैक्टर है या का ट्रक है लग रहा है, कुछ पड़ा तो सामान है, और टंकी भी लगी हुई है यहाँ पर जगह जगह। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ ट्राली है, ये टैंक है, उन्हीं ज़माने का है भाई, कुछ है कार यंत्र तो लग रहा है ना, कुछ यंत्र तो लग रहा है, हाँ है यंत्र, उन्हीं ज़माने का है यंत्र। ये देखिए कितने ज़माने पुराने का, ये लोहा सा ये कुछ यंत्र है, ये देखिए काफ़ी यंत्र पड़े हैं, गल और सड़ रहे हैं। और ये इसकी ये गुफा है, वो गुफा पता नहीं किधर को गई हुई है, वो मैं ढूंढने का प्रयास करूँगा, आपको दिखाऊँगा। ऐसी ही गुफा में जाते हैं लोग। ये यंत्र देखिए बहुत पुराने ज़माने का एक इंजन है, और ये इंजन ऐसा है, देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा इंजन है, वही ज़माने का ब्रिटिश काल का इंजन। और इसकी ये गुफा वो आगे है, आगे इसी वाले रूट से निकल के गई हुई है। दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार पर, और मुझे प्यार दीजिए। और ये देखिए फुलवाड़ी लगी हुई है, हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे दोस्त। ये बिल्डिंग के लिए अभी इसकी डेंटिंग पेंटिंग लाइट की सारी व्यवस्था कर दी गई है, मुझे लगता है इसमें चौकीदार भी रहा होगा, रहते होंगे। और इसमें इसीलिए ये है, ये वाली है व्यवस्था, यहाँ से ये है इसकी जो सुरंग बताते हैं, इसी में जल्दी से ये यहाँ पर खोलते हैं। और ये है ये वाली, ये छोटी सी दिख रही है ना, इसी को हटाते होंगे और इसी के अंदर प्रवेश होते हैं और बाहर निकल जाते हैं सुरंग ही सुरंग के द्वारा। और ये नल लगा हुआ है और ताला भी लगा हुआ है, इसके अंदर जा नहीं सकते हैं आप, क्योंकि इस परमिशन है नहीं हर किसी को जाने की अब, है ना। तो इसमें चौकीदार भी रहते होंगे, तो अच्छी बात है, क्योंकि इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी भी है।